अनबॉक्सिंग करें एक यूनिक और इंटरेस्टिंग प्लांट की, जिसे डायबिटिक्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है, और ये है जनाब स्टीविया प्लांट। स्टीविया प्लांट का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है और इससे डायबिटिक्स और हेल्थ कॉन्शियस लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मैंने लाहौर की एक प्लांट कंपनी से ऑनलाइन परचेज किया है, जो 24 आवर्स में ही डिलीवर हो गया है। ये एक प्लास्टिक बैग में है और अब हम इसे पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो जनाब स्टीविया प्लांट पॉट में शिफ्ट हो चुका है। आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि स्टीविया प्लांट क्या है। स्टीविया प्लांट डायबिटिक्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा समझा जाता है। स्टीविया प्लांट का ताल्लुक पैराग्वे और ब्राज़ील से है, जहां पर कई सौ सालों से खानों को मीठा करने के लिए इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है, चाहे वो चाय हो या कोई और स्वीट डिश। यही नहीं बल्कि दुनिया के बाज़ इलाकों में स्टीविया के पत्ते एज अ स्वीट ट्रीट रॉ फॉर्म में भी खाए जाते हैं। इसके पत्तों में मौजूद केमिकल्स स्टीवियल ग्लाइकोसाइड्स और रिबोडियोसाइड ए इसमें मीठे टेस्ट का बायस हैं। मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक स्टीविया प्लांट आम चीनी के मुकाबले में 30 से 300 टाइम्स तक मीठा हो सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इसमें कैलोरीज भी जीरो होती हैं। सबसे बढ़कर ये 2011 में फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की जानिब से खानों में इसका इस्तेमाल महफूज करा दिया गया है। लेकिन काबिले जिक्र बात यह है कि FDA ने रॉ फॉर्म में इसकी कंजम्पशन अभी तक अप्रूव नहीं की है। FDA के मुताबिक इसके एक्सट्रैक्ट्स स्टीविल ग्लाइकोसाइड और रिबोडियोसाइड ही काबिले इस्तेमाल हैं। ताहम FDA ने इनकी भी एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इनटेक का तायुन किया है। इस पौधे पर दुनिया भर में होने वाली तहकीकात के नतीजे में बात सामने आई है कि ये पौधा मुख्तलिफ बीमारियों मसलन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में भी मदद करता है। इसके अलावा डेंटल डिजीजेस, स्किन डिजीजेस और ऑस्टियोपोरोसिस तक में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आज स्टीविया प्लांट और इसके एक्सट्रैक्ट शुगर सब्स्टिट्यूट मार्केट का एक अहम हिस्सा है। स्टीविया स्वीटनर की डिमांड इसलिए भी मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से बनाया जाता है। स्टीविया प्लांट की बेशुमार फवायद के बावजूद जो बात अहम है वो ये है कि इसकी किसी भी किस्म के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी है। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैंने स्टीविया प्लांट क्यों ऑर्डर किया। दरअसल मेरी एक बहुत प्यारी बहन मेरे लिए इस्लामाबाद से स्टीविया प्लांट लेकर आई। या तो यौम मौसम की तब्दीली या फिर शायद मेरी ही किसी गफलत की वजह से चल ना सका और सूख गया, तो बेहद अफसोस था। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मैंने देखा लाहौर की एक कंपनी इसको ऑनलाइन सेल करती है और नेशन वाइड इसकी डिलीवरी भी करती है। तो मैंने उससे इसको मंगवाया और अब मैंने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग की और फिर इसके बारे में पढ़ा, इसको समझा और फिर आप लोगों से शेयर किया। ये था हमारा आज का स्टीविया प्लांट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। उम्मीद है आपने इंजॉय किया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई चीज़ की अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।